अब रोइए नहीं, सब है यहाँ पर, आप बताइए क्या हुआ। बोले तेरे को SHO ने बुलाया है। हाँ? तो आशीष कहने लग गया मैं तो 12 बजे पेश आऊंगा, मैं तो जी SP का पेश आऊंगा जी। बोले नहीं SHO ने बुलाया है। अच्छा। बोले तुमने मेरे को नोटिस भी नहीं दिया, फिर को लिखे तो रूम में दे दो, मैं पेश हो जाऊंगा। पुलिस आई थी सुबह? पुलिस आई थी, 5-6 जने थे, 5 जने थे। कितने बजे की बात है जी? ये 10 बजे के करीब होगी जी। कौन कौन था उस समय घर, कौन कौन था उस समय? करनी पुलिस लाइन में क्वार्टर में रहता है। अच्छा। एक उसका भाई था छोटा और मैं था उसका पिताजी। हाँ। ये दोनों भाई थे, हम तीनों थे। जबरदस्ती करने लगे तो उन्होंने फिर फोन करके और पुलिस बुला ली, खुद SHO भी आया है। 8, 10, 15, 16 हो गए वहाँ। अच्छा। जबरदस्ती वो नहा रहा था, नहाते उसे कपड़े भी नहीं बदलने दिए उसको। आज सिंगम ने आज गिरफ्तारी भी देनी थी। गिरफ्तारी तो बोले मैं युवाओं हूँ, 12 बजे SP साहब का पेश होगा, खुद गिरफ्तार होगा। बोले नहीं। हाँ। तो जबरदस्ती हंगा कराया हमारे साथ। अच्छा। मारा पीटी करी है क्वार्टर में भी। अच्छा। क्वार्टर में हमारे फोन भी खोज लिए। कोई महिला थी उस समय? महिला नहीं थी, महिला तो गांव में रहती है बेटे। अच्छा। हम थे तीनों बाबू बेटा। ठीक है। तो ये फिर वो उठा लिया मेरे को भी पुलिस जीप में बैठा लिया। तो उसमें सिंगम जो था वो भी साथ था, उसका फोन खोज लिया था पुलिस वाला ने। सिंगम कहने लग गया भाई ये फोन तो दे दे मेरे पिताजी को। तो बोले हम दे देंगे। बड़ी मुश्किल से सिंगर ने लेगा मेरे को दे दिया, अल्लाह पिताजी ये ले जाइए। ठीक है। उन्होंने मेरे दे दिया पुलिस वाले, फिर मेरे पर खोसन लग गए, गाड़ी में हंगा दिंगा करने लग गए। ठीक है। मेरे साथ मारा पीटी करी उन्होंने, 3-4 जने मैं पहचान लूंगा उनको शिकल से। फोन ले लिया आपसे उन्होंने? खोस लिया आगे थे। सिंगम का फोन किसके पास है? पुलिस वाला ने खोस लिया जी। अच्छा, सिंगम से ले लिया? हाँ, सिंगम मेरे पर मेरे दे दिया था उसने। तो आपके साथ भी गलत व्यवहार किया? मेरे साथ तो देश ने देखा है ये तो। क्या उम्र है आपकी? उम्र क्या है? 71 साल है मेरी उम्र जी। तो आपकी उम्र का भी लिहाज नहीं किया? लिहाज वो तो जब भाई करे ना। कितने पुलिस वाले थे उस समय? वो एक गाड़ी में थे, वो 4-5 जने वो दूसरी गाड़ी का हमने पता नहीं लग गया वो किंगा गए। तो इन्होंने मेरे साथ मारा पीटी करके मेरे जबरदस्ती खोसियार धक्का देगा GT रोड वगैरह दिया जो। अच्छा। चल रही ये तो। अच्छा। शुक्र है कि वो गाड़ी को पर ना आस की। अब सिंगम कहाँ पर लेकर गए हैं, कुछ पता है आपको? 29 सेक्टर में कहाँ थे लेकर जाओगे? अच्छा। पता नहीं वो कहाँ उन्होंने वो कराया है, उसके साथ क्या व्यवहार करेंगे, मारेंगे पीटेंगे। सुबह भी जबरदस्ती लेकर गए, जबरन लेकर जा रहे थे? जबरदस्ती लेकर गए हैं जी, मारा पिट्टी करिए हमारे साथ। सिंगम ने कुछ बोला पुलिस वालों को? बोला मैं दबाव है भाई, तुम जबरदस्ती के ऊपर हो। तो कुछ बोले थे सिंगम उन्हें, पुलिस कर्मियों को बोले थे कुछ? वो तो ये कह रहा था भाई हम खुद आवा है, तुम क्यों मारे जबरदस्ती क्यों करो हो। हाँ। मैं तो खुद पेश आऊंगा 12 बजे SP साहब का गिरफ्तारी दूंगा मैं, मेरे खिलाफ पर्चा है। तो आप पिता हैं सिंगम के, आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से और पब्लिक से, क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक तो ये मतलब पब्लिक का बेटा है, ये पानीपत का बेटा है, इसमें पैदा हो रहा है, 6 जून 84 माड़े पैदा हुआ था। पानीपत के लिए जीना इसने, तो पानीपत के लिए मरना इसने, कह दे मतलब पानीपत की सेवा करूंगा, देश की सेवा करूंगा, इतने दिन न मन मरण की दर भय है, न मन नौकरी का भय है, मतलब न्याय की बात। जो दुखी है मंत्री साहब से मिल के आए थे, मंत्री साहब से मिल के आए थे शनिवार को, कोई उन लोगों को गठित करी होगी टीम है, उसकी भी इन्हें कोई प्रक्रिया नहीं हुई ना, उनका को मानता न हुई है, ये तो राक्षस बना कर रहे हैं राक्षस। तो गलत और इससे तो फालतू और क्यों होगा, इतना जुलम तो किसी के साथ भी नहीं। आपको लगता है कि प्रोफेशनली मामला था, उसमें आपके पिताजी आपके साथ गलत व्यवहार हुआ, आपकी उम्र का लिहाज नहीं किया गया? क्या करें जी, ये ऊपर तो दबाव है, मेरे ख्याल में तो जो अधिकारी हैं बड़े उनके कारण हो रहा है ये सारा काम। ऐसे अधिकारियों को तो रहने का भी अधिकार नहीं है, उनको तो कुर्सी पर तो उतार देना चाहिए। लगता है मिलीभगत चल रही है, फांसी की सजा होनी चाहिए। मिलीभगत चल रही है, जो ऐसे अधिकारी हैं उनको तो फांसी की सजा होनी चाहिए। जो आपको लग रहा है कि मिलीभगत चल रही है कहीं ना कहीं? खूब मिलीभगत हो रही है, और SHO की क्या गुदड़ी है, वो अपने आप ऐसा कदम उठा ले। एक चोर न बचा रहे हैं, एक जो देश का लोगों की सेवा कर रहा है उनको दुखी होने से बचा रहा है,
जो उनकी आवाज उठावा है आदमियों की प्रजा की, उसके साथ इतना जुलम हो रहा है तो कित प्रशासन है फिर। तो आपका तो कोई उसमें नाम नहीं था, आपको क्यों उठाया? मेरा भी मेरा तो कोई नाम नहीं, नाम हम तो मरने के लिए भी तैयार हैं। हम तो इसे राज तो इसे जो प्रशासन है इस तो अच्छा मर जाना अच्छा। आप जब घर से सिंघम को लेकर गए तो आप उस समय साथ में कहाँ गए? आपको भी कहीं लेकर गए थे? रास्ते में धक्का दिया, जो मारपीट कर उतार दिया। हाँ, उसी गाड़ी रोड पर गिर दिया मेरे को। तो आप उसी गाड़ी में थे जिसमें सिंघम थे? जिसमें सिंघम था तो आपको उतार दिया? मेरे को धक्का देकर गिर दिया, मारा पीटी करके फोन खोज लिया सिंघम वाला। इतना जुलम किसी भी नहीं देखे हमने, जुगरिया कर रहे हैं। तो तनाशाही हो रही है पुलिस वाले के साथ, ऐसे हो रहा है आम इंसान के साथ कैसे होता? क्या होगा पता नहीं, कैसे न्याय होगा कैसे? भगत सिंह ने फांसी नुए खाई थी के ऐसी व्यवस्था जो उसको पता होता। आपको लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा उसका यही हाल होगा? यही हाल होगा, पुलिस कर्मी है। आगे भी आगे को आवाज उठाने वाला नहीं होगा। दुखी आदमियों की जिसके साथ न्याय हो रहा है, जुलम हो रहा है, कोई भी नहीं आवाज उठाओगा। अगर पुलिस वाले के साथ ये हो रहा है तो आम जन के साथ क्या होगा? क्या होगा देख लो, आप देख लो या प्रजा देख लेगी या पानीपत शहर देख लेगा जो हो रहा है। इनके शाम ही हो रहा है या किसी लुकी छुपी बात थोड़ा रह रही है। तो सेरे भाई बन गए। आपको लगता है कि बीच रास्ते में पिता को उतारना कहाँ तक सही था? अरे एक बुजुर्ग है, हमने तो देखा कोई बुजुर्ग मतलब उतारना नहीं फेंकना, फेंक के गए हैं पुलिस वाले उनको, और पुलिस वालों ने बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा, मुख्यमंत्री जी ऐसा मत होने दो। वो जो देश का बेटा है, आपका बेटा है, सिंघम पूरे पानीपत पुलिस को अच्छी जगह पे लेके जा रहा है। अगर ऐसा होगा तो हम करनाल से अगली बार आपको MLA भी नहीं बनाएंगे, आप CM कैसे बनोगे? तो ऐसे मत करो, सच का साथ दो, जो सही है उसका साथ दो, और सिंघम को जैसे भी हो सके बाहर निकालो। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर तमाम जो सिंघम का साथ देने वाले लोग हैं वो पहुंचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं जो गृह मंत्री अनिल विज से भी मिलने गए थे वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, संस्था चलाते हैं। देख सकते हैं ये तस्वीरें शनिवार को भी मैंने आपको दिखाई थी, गृह मंत्री अनिल विज से मिलने के लिए गए थे, और जो सिंघम आशीष कुमार है उनका भाई भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सर आप जब सवेरे सिंघम जी वीडियो बना रहे थे, आपसे फोन छीना जा रहा था उस समय? हाँ जी। क्या बात हुई थी उस समय? 15-20 पुलिस वाले आ रहे थे क्वार्टर पे, पुलिस लाइन पानीपत में, वो कह रहे थे कि SHO सेक्टर 13-17 ने भेजा है, तो हमें तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाना अभी कभी, लेकिन हमने लेकिन उसने कहा कि हम 12 बजे आके खुद गिरफ्तारी दे देंगे। फिर उन्होंने खुद SHO को भी बुला लिया, कई सारे और 2 गाड़ियों में आके बहुत सारे पुलिसकर्मी हमारे साथ वहाँ पे मारपीट की, हाथापाई की, जबरदस्ती की, और उनको मेरे पिताजी को उनको आशीष को डाल के ले गए। जब लेके गए आप भी थे उन गाड़ियों में? मैं गाड़ी में नहीं था, मैं नीचे था, मेरे को भी उठा रहे थे लेकिन मैंने निकल गया उनके हाथ। तो उस समय आपने किसी को सूचना नहीं दी कि ले गए यहाँ से उठा? सूचना तो दी तो हर सभी होती है। तो आपके पिता को रस्ते में उतार दिया था? रस्ते में BBMB कट के पास से मारपीट करके वहीं पे इनके साथ इनको फेंक दिया। आप देख सकते हैं सिंघम के भाई यहाँ पर मौजूद थे, गाड़ी से ही फेंक दिया, चलती गाड़ी से उतार दिया नीचे, मारपीट भी की इनके साथ। कितनी उम्र है आपके पिताजी की? 70 साल से ऊपर है जी, 75 साल। आप देख सकते हैं किस तरह से उनके पिता की जो उम्र भी नहीं देखी गई, जिसके चलते हुए आप देख सकते हैं उन्हें गाड़ी से नीचे फेंक दिया गया। अब क्या कुछ होगा वो भी आपको दिखाऊंगा। मेरी आप सभी से आज जोड़कर अपील है, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करते रहें। मिसबिहेव किया गया है, और पहले तो हमें ये बोल दिया गया कि यहाँ पे कोई नहीं है, कोई है ही नहीं अंदर। अच्छा, कोई नहीं है तो फिर आपने ये ताले किस लिए लगा रखे थे जी? ये कोई आपकी अपनी प्रॉपर्टी है? ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये आप ताले नहीं लगा सकते इस तरीके से। और फिर हमसे मिसबिहेव किया गया, आप कौन हो उसके? हम आम जनता है, हम आम जनता है, पर इन्होंने जो पुलिस वाले हैं हमारे साथ मिसबिहेव करा, ये नहीं, अब हम आपके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। किस बात की कार्रवाई करेंगे ये हमारे? आप शनिवार को मिलकर आए थे वहाँ पर अनिल विज से, कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि नहीं करा, हमारे ऊपर केस दर्ज कर दिया। किस बात का केस दर्ज? जो वीडियो वायरल हुई थी उसमें सिर्फ सिंघम के ऊपर हाथ उठाया गया था, पर इसके FIR में सिंघम के ऊपर ऐसे लगा आरोप लगेंगे इन्होंने उसको मारा है? बिल्कुल नहीं, ये तो साफ वीडियो में दिखा रखा है। अभी तो सिंघम साहब ने साफ वीडियो में दिखा रखा है किसने किसके ऊपर हाथ उठाया, और जनता पागल नहीं है, जनता जाग चुकी है, इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ऐसे ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ। और हमें कह रहे हैं हम बेईमान है, एक बड़ा ईमानदार है जो इंसान
उसी के साथ जनता खड़ी है। मैडम आप 10,000 लोगों के साइन लेकर गए थे, क्या लगता है 10,000 लोग यहाँ इकट्ठा होगा? हाँ, वो कहाँ है सब? बिल्कुल होंगे, क्योंकि इन्होंने इन्होंने धोखे से इनको अरेस्ट किया है, धोखे से अरेस्ट किया है। इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, कोई कुछ नहीं। नोटिस होता है, नोटिस पहले जाना चाहिए अरेस्ट का, लेकिन इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया। आपको लगता है कि कल रात को एक वीडियो जारी किया गया था सिंघम की तरफ से कि कल सुबह वो गिरफ्तारी दे रहे हैं, उससे पहले ही 12 बजे हमारे से फोन करके हम 12 बजे चलेंगे वहाँ पे? मैंने कहा नहीं सर, हम भी चलेंगे, क्योंकि हम भी आपके साथ खड़े हैं, तो हमें भी गिरफ्तार कर लो। और हमारी ही फोटो खींच रहे हैं, कह रहे हैं ये दो लेडीज ज्यादा बोल रही हैं, इनकी भी फोटो खींचो, इनको इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कैसे कार्रवाई कर सकते हैं? तो मतलब आज के टाइम में सच का साथ कोई नहीं दे सकता? बिल्कुल, चोर है, चोर सारे चोर के चोर भरे गए हैं इसमें। पुलिस प्रशासन जो जनता की कमाई खा रहे हैं ना, ये सब चोर हो चुके हैं, सब भ्रष्ट हो चुका है ये जो सरकार है ना। अगर हमें तो उस सरकार से भी अब कोई उम्मीद नहीं है कि ये सरकार ऐसे ईमानदारों के साथ खड़ी होगी, भ्रष्ट लोगों के साथ खड़ी है। वो भी आज भ्रष्ट नेता हो गए, भ्रष्ट सरकार हो चुकी है। दोबारा मिलने जाएंगे अनिल जी से? बिल्कुल नहीं जी, दो बार हम जा चुके हैं, करेंगे हम। कोई जो नहीं जाने, ना दरबार लगाने की जरूरत है, ना दरबार में जाने की जरूरत है। ऐसा हो गया दरबार, ऑर्डर में कोई दम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जाके अपना टाइम वेस्ट करना, अपना पैसा वेस्ट करना और कुछ नहीं है, बल्कि ऊपर उल्टा हमारे ऊपर ही कार्रवाई कर देंगे, उल्टा हमारे ऊपर कार्रवाई है इस बात की। अब देख सकते हैं किस तरह से जो गृह मंत्री से मिलकर आए थे वो भी साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वहां पर आप ना जाएं, आपका समय बर्बाद होगा, कोई कार्रवाई नहीं होती। और जो इसमें आरोप है कि उसे अरेस्ट किया गया है और आरोप इनके ऊपर ही उल्टे लगा दिए गए, ऐसा जो लोग हैं वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी आप सभी से अपील है, इस वीडियो को साथ के साथ आप जिस तरीके से इनको अंदर कर दिया गया ना, हम इनके साथ खड़े हैं। कल को हमारे भी परिवार वालों को उठा उठा के अंदर करेंगे, किसी ना किसी उस पे, किसी ना किसी आरोप पे, क्योंकि तो मतलब गुलाम बनकर रहना पड़ेगा, गुलाम बनकर रहना पड़ेगा इनका। ये चाहते हैं, ये फिर दोबारा से ना गुलामी लाना चाहते हैं। और ऐसे ऐसे अगर प्रशासन रहेगा, ऐसे लोग रहेंगे जो भ्रष्टाचार करते हैं, तो गुलाम तो देश बन ही जाएगा, क्योंकि सच्चाई की